शर्मा जी, रमेश का ये सवाल है कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएं। एक ही उपाय है, तू लेडीज बस का ड्राइवर बन जा, सारी लड़कियां तेरे पीछे रहेंगी। शर्मा जी, मूर्ख और अज्ञानी में क्या अंतर है? जैसे तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम मूर्ख हो और मैं मूर्ख लोगों का जवाब दे रहा हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ। आजकल पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या लड़ाई? मेरे विचार में तो पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अनपढ़ लोगों को आपस में लड़ा सके। यदि आपकी पत्नी आपको आत्महत्या करने को कहे तो आप क्या करेंगे? करना क्या है, मैं तो कह दूंगा जिस दिन ब्याह हुआ था आत्महत्या तो उसी दिन कर ली थी, अब तो हत्या होनी बाकी है। प्रेमिका मुसीबत कब बन सकती है? प्रेमिका तभी मुसीबत बन जाती है जब वो सपत्नी बन जाए। किसी ने पूछा है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मैं आपको प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, इस बात का जवाब चाहती हूँ। प्यार करता हूँ या नहीं, ये बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन तुमने मुझे बॉय कह कर के जो मेरी इज्जत बढ़ाई है बूढ़े की, अब मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। क्या ये सच है कि चांद को निरंतर देखते हुए आदमी पागल हो जाता है? जो पागल होता है वही तो लगातार चांद को देखेगा। रमेश का ये सवाल है कि मुझे मेरी प्रेमिका सपने में बार बार दिखाई देती है। तेरी प्रेमिका है ही ऐसी, वो तो हर एक के सपने में आ जाती है, कल मेरे भी सपने में आई थी। शर्मा जी, आपकी पत्नी आपसे प्यार की बात किस समय करती हैं? मेरी पत्नी प्यार की बातें तब करती है जब उसे मेरी जेब हल्की करनी होती है। अगर आपको पत्नी से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप क्या पूछोगे? मैं यही पूछूंगा, पत्नी जी क्या मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता? आशिक अगर उल्लू है तो महबूबा? महबूबा एक अंधेरा है जिसमें उल्लू को सब कुछ दिखाई देता है। प्रेम पत्र और प्रश्न पत्र में क्या अंतर है? प्रेम पत्र को पढ़ने में आनंद आता है और प्रश्न पत्र को देखने में पसीने छूटते हैं। खरीदारी करते हुए औरत और आदमी को देखकर कैसे पता चलेगा कि वो पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका? अगर खरीदारी आदमी कर रहा है तो समझ लो प्रेमी प्रेमिका है, और खरीदारी कोई औरत कर रही है तो समझ लो पति पत्नी है।